मौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता एवं संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा और सागर जिले का दौरा किया। जितने जिलों में ओलावृष्टि हुई है या फसलों का नुकसान हुआ है, हर जिले के किसान भाइयों और बहनों, आपके साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा, मैं हूं। किसान संकट में है तो सीएम श्री चौहान खुद को रोक नहीं पाए और उनके बीच पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने परिवार के मुखिया की तरह किसानों का दर्द साझा करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दो तरह की राहत हम देंगे, एक गेहूं, चना, मसूर, रायड़ा, इन सब में 32,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि हम बांटेंगे। 50% से ज्यादा नुकसान है, कम है वहां थोड़ा मात्र, उसके हिसाब से होगा। और नंबर दो, फसल बीमा का काम साथ साथ चलेगा। तो ये राहत की राशि जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिलती वो मैं दूंगा, इतनी कहीं नहीं मिलती, आप पता कर लेना। लेकिन प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों से संवाद कर उन्हें ढांढस बंधाया। भैया कोई चिंता मत करियो रे, है ना, पूरा सर्वे करा के जहाँ नुकसान हुआ पूरी राहत दूंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई चिंता मत करो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर चर्चा कर प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी भी दी। सीएम श्री चौहान ने कहा कि किसान खुद को अकेला ना समझे। मुख्यमंत्री जी के मुताबिक संकट की इस घड़ी में वो किसानों को पार निकाल कर ले जाएंगे। भाइयों, दिक्कत है, परेशानी है, आपदा है, संकट है, लेकिन इस संकट से मैं पार करके आपको ले जाऊंगा।